हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, SKK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि। दिन भर स्वरांजलि संस्था की ओर से मोहम्मद रफी साहब की पुण्य तिथि मनाई गई। सनोवा खान के साथ राजा कुमार पुट्टू की रिपोर्ट। पटना सिटी, स्वर सम्राट, हरदिल अजीज, युवा दिलों के धड़कन। मोहम्मद रफी साहिब की पुण्यतिथि पर आज स्वरांजलि द्वारा आयोजित व जेम्स बैंड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए शिक्षाविद संगीत मर्मज्ञ डॉक्टर ध्रुव कुमार ने कहा कि मोहम्मद रफी साहिब विश्व के धरोहर हैं। उनकी गायकी का आज भी कोई सानी नहीं है। युवा पीढ़ी अपनी सांगीतिक विरासत को सहेजे संगीत के सभी पहलुओं पर अपनी आवाज का लोहा दर्शकों के दिल में मनवाया है। रफी साहिब ने मन तड़पत हरी दर्शन को आज भी सुनता हूँ तो बेचैन दिल को अंतहीन सकून मिलता है। अभी बहुत सारे गाने हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको कैसा लगा इस पुण्यतिथि में? पहले तो मैं स्वरांजलि संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे और बाकी और सब जो बिहार के जो बहुत जाने माने कलाकार उनको बुलाया, उनको यहाँ पर आया, वो आए यहाँ पर, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, मैंने भी अपनी प्रस्तुति दी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय पप्पू भैया का कि उन्होंने ये संरचना तैयार की और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने इसको प्लान किया, क्योंकि विगत कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपने हमारे बहुत ही बिहार के जाने माने म्यूजिशियन को खोया। तो एक हम लोगों ने इसी बहाने ये सोचा कि उनको भी हम लोग अपनी ओर से एक पुण्यतिथि दें, उनको भी हम लोग प्रणाम कर रफी साहब के साथ साथ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हर साल हम लोग यहाँ रफी साहब को डेडिकेट करते हैं म्यूजिक, उनके गाए हुए जो उनके गीत हैं उनको हम लोग फिर से पुनर्जागृत करने का प्रयास करते हैं। परिचय आलोक चौबे। शर्मतिया के इन्हें देख कर